हेलो फ्रेंड्स, आपका ममता जी या क्रिएटिविटी चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी बचे हुए कपड़ों से बनाई गई बहुत ही सुंदर सुंदर और एकदम यूनिक डिज़ाइन की कुर्तियां। ये सारी कुर्तियों की डिज़ाइन एकदम लेटेस्ट और ट्रेंडी है। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि हो सकता है जो कुर्ती की डिज़ाइन आपको पसंद आए वो आपसे मिस हो जाए। मैं आज आपसे 150+ 150 से भी ज़्यादा बहुत ही सुंदर सुंदर और एकदम यूनिक डिज़ाइन की बचे हुए कपड़े की कुर्ती की डिज़ाइन शेयर करूंगी। साथ ही साथ मैं आपको आइडिया दूंगी कि आपके पास कितना कपड़ा है, ज़्यादा है या कम है, और कितने तरह के कपड़ों को छोड़कर आप एकदम मार्केट जैसी डिज़ाइनर कुर्ती बना सकते हैं। आप प्लेन या फिर प्रिंटेड कपड़े से इस तरह की कुर्ती बना सकते हो। जैसा भी आपके पास कपड़ा है, आपको बस कलर कॉम्बिनेशन का ध्यान रखना होगा। अक्सर क्या होता है कि हम कोई सूट या कुर्ती बनाते हैं तो साइड में से काफ़ी ज़्यादा कपड़ा बच जाता है, जिसे हम बेकार समझकर फेंक देते हैं। तो आप अब से अपने बचे हुए कपड़े को फेंके नहीं, उनका इस तरह से स्मार्टली यूज़ करके आप डिज़ाइनर कुर्तियां बना सकते हैं। और बचे हुए कपड़ों की कुर्तियों को आप किसी भी बॉटम के साथ पहन सकते हैं। जैसे आपके पास कोई वाइट लेगीज है या ब्लैक लेगी है, कोई प्लाजो है, या फिर आपके पास कोई पैंट है, तो आप उसके साथ भी आसानी से मिक्स मैच करके इन कुर्तियों को पहन सकते हैं। बचे हुए कपड़े से आप वन पीस ड्रेस भी बना सकते हो। आप इस तरह से हाफ एंड हाफ पैटर्न में बना सकते हैं। कुर्ती की लेंथ बढ़ाने के लिए भी आप बचा हुआ कपड़ा कुर्ती के योक पार्ट पर लगा सकते हैं, या फिर आप साइड में से इस तरह से कपड़ा जॉइंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, बचे हुए कपड़ों की कुर्तियां बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती हैं, और बनने के बाद लगता ही नहीं कि इन्हें बचे हुए कपड़ों का यूज़ करके बनाया गया है। आप देख सकते हैं इस तरह से, अगर फ्रंट पे कपड़ा कम पड़ रहा है तो कोई प्रिंटेड फैब्रिक आप लगा सकते हैं, कोई आप प्लेन फैब्रिक भी लगा सकते हैं। ये देखिए, ब्लू कलर के लाइट और डार्क शेड से ये कुर्ती बनाई गई है। तो इस तरह से आइडिया लेकर आप बना सकते हैं। ये देखिए, ब्लैक कलर में प्रिंटेड और प्लेन फैब्रिक लेकर आप इस तरह की डिज़ाइनर कुर्ती बना सकते हैं, वो भी बचे हुए कपड़े से। आप बिना पैसे में, बिना किसी खर्च के इन डिज़ाइन की कुर्तियों को बना सकते हैं। ये देखिए, प्रिंसेस कट में भी कुर्ती आप बना सकते हो। आप चाहें तो इस तरह से कुर्ती के ऊपर फैब्रिक लगा सकते हैं, जिससे कि आपकी कुर्ती की लेंथ भी बढ़ जाएगी और आपकी कुर्ती बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश लगने लगेगी। फ्रेंड्स, मैंने कई सारी वीडियो बनाई हुई हैं बचे हुए कपड़ों से बनने वाली कुर्ती की कटिंग स्टिचिंग की, तो वो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से शॉर्ट कुर्ती आप बना सकते हैं। अगर बहुत ही कम कपड़ा आपके पास बचा हुआ है, तो चेक में कोई फैब्रिक बचा है, तो उससे भी आप इन डिज़ाइन की कुर्ती को बना सकते हैं। आप इस तरह से तीन तरह के फैब्रिक को यूज़ करके भी एक कुर्ती बना सकते हो। प्लाजो के साथ पहनने के लिए इस तरह की कुर्ती आप बना सकते हैं। कॉलर वाली कुर्ती भी आप बना सकते हो। बटन भी आप लगा सकते हैं कुर्ती में। आप चाहें तो डबल लेयर में भी कुर्ती को बना सकते हैं। फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं कि इन डिज़ाइन की कुर्तियों को आप बचे हुए कपड़े का यूज़ करके ही बनाएं। आप चाहें तो मार्केट से भी फैब्रिक खरीद सकते हैं। जैसे कि 2 मीटर में कुर्ती बनती है, तो आधा मीटर आप एक अलग फैब्रिक ले लें और 1.5 मीटर आप एक अलग फैब्रिक ले लें, तो उसे भी मिक्स मैच करके आप इन डिज़ाइन की कुर्तियों को बना सकते हैं। या फिर आप एक काम भी कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई कुर्ती में से साइड में से कपड़ा बचा हुआ है और उसी कपड़े से मिक्स मैच करता हुआ आप तो दूसरा 1.5 मीटर कपड़ा खरीद लें, दोनों को मिक्स मैच करके इन डिज़ाइन में डिज़ाइनिंग करके आप डिज़ाइनर और स्टाइलिश कुर्तियां बना सकते हैं। बहुत ही कम पैसे में आप इस तरह की डिज़ाइनर कुर्तियों को बना सकते हैं। आप बॉर्डर भी लगा सकते हैं इस तरह से। स्लीव आप दूसरे फैब्रिक की भी लगा सकते हैं। स्लीव की लेंथ बढ़ाने के लिए भी आप कपड़ा लगा सकते हो। फ्रंट पैनल देकर भी आप कुर्तियां बना सकते हैं। आप फ्रंट कट भी कुर्ती में दे सकते हो। साइड में से इस तरह से तिरछा कपड़ा जॉइंट करके भी आप
ए लाइन कुर्ती को बना सकते हैं। आप इस तरह की कम घेर की फ्रॉक कुर्ती भी बना सकते हो। आप गॉडेट डालकर भी आप कम पैसे में बचे हुए कपड़े की मदद से डिज़ाइनर कुर्ती आप बना सकते हैं। प्रिंसेस कट में कुर्ती आप बना सकते हो इस तरह से, दो प्लेन फैब्रिक को जॉइंट करके इस तरह से कुर्ती बना सकते हो। प्लेन और प्रिंटेड कपड़े को मिक्स मैच करके भी आप बना सकते हैं। आप चाहें तो इस तरह से आप कम कपड़े में भी सुंदर कुर्ती बना सकते हैं। साइड में से इस तरह से आप कपड़ा जॉइंट कर सकते हैं। कोई प्लेन और प्रिंटेड कपड़े को मिक्स मैच करके भी आप कुर्ती को बना सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर कुर्ती डिज़ाइन, सूट डिज़ाइन, ड्रेस डिज़ाइन और डिज़ाइनर सूट और कुर्ती कटिंग स्टिचिंग की कई सारी वीडियोस हैं और प्लेलिस्ट भी हैं, तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो। आई होप कि आपके लिए पसंद आएंगे। अगर पसंद आएँ तो एक लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है और नई नई वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। और फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर डेली सुबह 8 बजे न्यू वीडियो आती है इन्हीं किसी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप डेली भी मेरी वीडियोस को देख सकते हो। फ्रेंड्स, बचे हुए कपड़ों की कुर्तियां बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती हैं और बनने के बाद लगता भी नहीं कि इन्हें बचे हुए कपड़ों का यूज़ करके बनाया गया है। फ्रेंड्स, आप कई सूट या कुर्ती सिलाते हैं अगर टेलर से, तो आप उनको पहले ही बोल दें कि इसमें जो कपड़ा बचेगा वो हमको वापस दे देना। तो इस तरह से आप 2-3 कुर्तियों का कपड़ा इकट्ठा करती जाना, बाद में उनका यूज़ करके आप इन डिज़ाइन की डिज़ाइनर कुर्तियां बना सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको इनमें से जो भी कुर्ती की डिज़ाइन पसंद आए तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें और अपने टेलर को बताकर आप सिलवा सकते हो, या फिर आपको खुद ही कटिंग और स्टिचिंग आती है तो आप मेरी वीडियो से आइडिया लेकर इन डिज़ाइन की कुर्तियों को घर पर आसानी से बना सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मार्केट में इन डिज़ाइन की कुर्तियों को लेने जाएंगे या ऑनलाइन परचेज करोगे तो वो आपको बहुत ही ज़्यादा महंगी मिलने वाली हैं। और अगर आप मेरी वीडियो से आइडिया लेकर इन डिज़ाइन की कुर्ती बनाएंगे तो आपके कम ही पैसों में डिज़ाइनर पार्टी वियर लेटेस्ट ट्रेंडी कुर्ती बनकर तैयार हो जाएंगी। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल की वीडियोस को देख रहे हो तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाएंगे और आपसे मेरी कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी। फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मैं जो भी ड्रेस डिज़ाइन करती हूँ या फिर कुर्ती डिज़ाइन करती हूँ तो उससे रिलेटेड इमेजेस, रील्स और वीडियोस वहाँ पर मैं अपलोड करती हूँ, तो आप वहाँ पर भी मुझसे जुड़ जाइए। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है इस वीडियो से रिलेटेड या फिर आपको कोई रिक्वेस्टेड वीडियो बनवाना है तो भी आप वहाँ पर मुझे मैसेज या DM कर सकते हो, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी और आपके लिए वीडियो बनाने के लिए भी ट्राई करूँगी। तो ये देखिए, इस तरह से पॉकेट आप बनाकर लगा सकते हैं। आप इस तरह की श्रग स्टाइल लॉन्ग वन पीस कुर्ती भी बना सकते हो। साइड में से डोरी लगा सकते हैं, कट दे सकते हैं आप। डोरी वाली कुर्तियाँ भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगती हैं। आप काप्तान कुर्ती भी बना सकते हैं। इस तरह से 3 तरह के फैब्रिक का यूज़ करके भी आप बना सकते हो। बॉक्स पैटर्न में भी आप इस तरह से बचे हुए कपड़े को जोड़कर डिज़ाइनर कुर्ती बना सकते हैं। योक पार्ट आप अलग फैब्रिक का भी लगा सकते हो इस तरह से। ये देखिए, 3 तरह के कपड़े से भी इस तरह की कुर्ती को बनाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर दें, चैनल पर ना है तो सब्सक्राइब भी कर दें। और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको इनमें से कौन सी वाली बचे हुए कपड़े की कुर्ती सबसे ज़्यादा पसंद आई है।